हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस लाल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट्स। होटल हमने चेकआउट कर लिया है और लगेज रिसेप्शन में रख दिया है। हमारी बस रात को है 11 बजे। पहला स्टॉप हम लोग जाएंगे आज कॉफ़ी म्यूजियम, उसके बाद बाबा बुदान गिरी। गाड़ी में पेट्रोल फुल है, चले। सो वी आर रेडी टू गो। हम लोग आ गए हैं कॉफ़ी म्यूजियम, चलिए दिखाते हैं। पता नहीं वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं, देखते हैं। ये है एंट्री। ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे भी क्वालिटी टेस्ट होती है और भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह कॉफ़ी से रिलेटेड यहाँ दिया जाता है। इसका टाइमिंग है 10 से 6 और सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है। ये कॉफ़ी बोर्ड के अंतर्गत ही आता है। अभी हम लोग अंदर गए थे लेकिन वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हम लोग वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। प्रोसेस बता रहे थे प्लांटेशन से लेके कॉफ़ी सीड्स और कैसे कॉफ़ी बनता है। ये रोस्टर है। नॉलेज के लिए तो काफ़ी कुछ यहाँ पे है। रास्ते में एक सीरी नेचर रूट्स मिला। यहाँ पे सब लोग रुकते हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बनाया हुआ है एक लेडी का, बहुत ही खूबसूरत। ये अभी हम लोग आधा रास्ता आ चुके हैं। पीछे एक हेयर पिन मोड़ था। यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत है। लोग पीक पे लगभग पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है बाबा बुदान गिरी, लगभग 4 किलोमीटर के आसपास। ये जो हिल टॉप है ये सब सारा ग्रासलैंड है। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ आए थे तो वहाँ एक खंडर मिला था रास्ते में, वहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया था। वो कमाल का फ़ोटो, वन ऑफ द बेस्ट फ़ोटो ऑफ चिकमंगलूर ट्रिप लास्ट टाइम। हमने सोचा है कि इस टाइम तो हम लोग अपने बेटे के साथ आए हैं, सोच रहे हैं इस टाइम। और ये बिल्कुल एकदम कच्चा रास्ता, ये बना हुआ नहीं है। ये रास्ता तो सो रहा है। वो जेड पॉइंट है, वो जो आपको पाथ दिख रहा है ऊपर जाने का, बट वो वॉकेबल, ये व्हीकल नहीं जाता, आपको वॉक करके जाना है। वो देखिए ऊपर में, वो जेट पॉइंट है। और इधर से आपको टॉप पे एकदम एक वाटरफॉल मिलेगा, छोटा सा वाटरफॉल है बट लोकेशन व्यू बहुत खूबसूरत है।
आते वक्त जाएंगे लौटते वक्त। ये हम लोग वहां से आए इतनी ऊंचाई से, अभी हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। सो ब्यूटीफुल वो जगह है। और ये रहा अपना, ये ऐसा लग रहा है इसमें फोटोग्राफ बहुत अच्छा आता है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। हम लोग हैं बुदान गिरी में, यह है ग्रासलैंड और वहाँ पे दिखता है वो जो जगह है वो बुदान गिरी बोलते हैं। यहाँ एक छोटा सा खंडर जैसा दिख रहा है, फोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ से वहाँ तक जाना टफ तो नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ जाने का। तो कितना मिनट लगा? 20 सेकंड ऊपर जाने। हाँ, मैं वहाँ तक गया था आधे रास्ते, पूरा रास्ता नहीं गया क्योंकि टाइम नहीं उतना और दूसरे जगह भी जाना है। हम लोग जा रहे हैं जेट पॉइंट पे, थोड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, थोड़ी चढ़ाई है ये यहाँ पर। मैं थोड़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि हम लोग गुडलू के साथ आए हैं। हम लोग पहुंच गए जेड पॉइंट पे, सामने ये रहा स्टनिंग व्यू। और गुडलू भी बहुत पहाड़ी चढ़ के आया है यहाँ तक। आप लोकेशन देख रहे हैं ये जारी फॉल का है लोकेशन, नीचे जारी फॉल है। तो यहाँ से आपको जीप लेकर के जाना पड़ेगा नीचे, पर हेड 700 ये लोग चार्ज करते हैं और 10 से 15 मिनट का रास्ता है नीचे और फिर आपको फॉल दिखेगा। तो हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो जारी फॉल गए थे, इस टाइम हम लोग हेबे फॉल गए। और अगर आप चिकमंगलूर में एक ही फॉल देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आप हेबे फॉल जाइए क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत एडवेंचरस है। इसमें आपको रिवर क्रॉसिंग मिलेगा, ट्रैकिंग मिलेगा, आपको थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा, तो काफ़ी अच्छा है। और उसमें जीप सफारी भी है, कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा है अच्छा है। रास्ते में एक फॉल पड़ा, उसका नाम है पुन्ना वन्ना हल्ला। इस फॉल का नाम है पुन्ना मन्ना देवी फॉल्स। दिखने में सुंदर है ये। ये झारी फॉल जाने के रास्ते में ही पड़ता है। ऊपर तक भी जा सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये ऐसा दिखता है। वो सामने दिख रहा है मुल्यानगिरी पीक, हाईएस्ट कर्नाटका का हाईएस्ट पीक है।
काफ़ी मज़ेदार और एडवेंचरस था रास्ता। और नींद में है गुटलू, बहुत थक गया है। हमारा साथी हमारे हर साथ। और ये है पार्किंग एरिया, पार्किंग जोन, यहाँ से आपको ट्रैक करके ऊपर। ये है ट्रैक और हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बुदान गिरी ट्रैक, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं। आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बस कर रहे हैं। अभी गुडलू चुप नहीं हो रहा था, इसलिए पल्लवी ने गुडलू को लिया हुआ है। पूरा नहीं जा सकते हैं, अभी पता नहीं पूरा जाएंगे कि नहीं। शाम के 5:41 हो चुके हैं। यही तक है हमारा मुल्यान की ट्रैक। पल्लवी थक जाएगी, हमको दे देना, ठीक है? जब पल्लवी थक जाएगी वो मुझे दे देगी। अगर हम लोग पार कर सकते हैं, ये पूरी चढ़ाई कर सकते हैं, चूँकि हाफ वे आ चुके हैं हम लोग, तो कोशिश करेंगे कि पूरा कर लें इसको। बाइक वापस करके हम लोग जा रहे हैं होटल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग आ गए हैं बस के लिए, वहाँ पे अरे फिर से सामान लेके जाएंगे। हमारी बस है कावेरी बस, जो यहाँ से बेंगलोर को जाएगी। और यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है ये है फेरो टूर्स एंड ट्रेवल्स, और भी बसेस सब यहाँ से ही मिलती है। रात के 11 बजे, रोड ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे सुनसान है, चालू रोड है। हमारी बस आ चुकी है कावेरी ट्रेवल्स, और हम लोग अब बेंगलोर जाने के लिए तैयार हैं। ये रही बस। गुड मॉर्निंग, हम लोग पहुँच गए मैजेस्टिक। अभी सुबह के 5 बजे हैं, हम लोग बहुत अच्छे से पहुँच गए हैं। हमारी जर्नी और हमारा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट।